दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, धोनी और पांड्या को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अपनी 8वीं हार के बाद फ्लॉप कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस बार भी कसूरवार रोहित शर्मा को ही ठहराया। वानखेड़े के मैदान में हार से ज्यादा तो बेइज्जती हुई मुंबई की टीम की, लेकिन इसी हार इसी बेइज्जती पर रोहित शर्मा को ही टारगेट करते हुए पांड्या ने जो कहा ना, वो सुनकर शायद आपको भी कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार दोस्तों क्या बोले फिर से एक बार कमेंट में चूर हार्दिक पांड्या, उनके बयान का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में एक बेहतर खिलाड़ी एक बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में दो चीजें कभी नहीं बदली, मुंबई और आरसीबी की टीम का पॉइंट टेबल में ऊपर उठना और मुंबई का लगातार हारना। एक और हार मुंबई की टीम ने अपने घर में दर्ज करी कोलकाता के खिलाफ। जब उनका सामना कोलकाता से हुआ ना, तो गेंदबाजों ने इतना जीतोड़ प्रदर्शन किया कि कोलकाता के 57 पर 5 विकेट थे। जी हाँ, आपको बता दें कि तुषारा नाम के खिलाड़ी ने 3 विकेट ले लिए थे और आगे चलकर बुमराह ने टीम के लिए बैक टू बैक विकेट्स निकाले, जिसमें वेंकटेश अय्यर का भी नाम शुमार था जो 52 में 70 रन लगाकर गए और 31 में 42 मनीष पांडे के थे। बस बाकी खिलाड़ियों के 10 से 15 रन भी नहीं थे, चाहे आप किसी का भी नाम क्यों ना उठा लें। फिर भी दोस्तों इस टीम ने 170 का टारगेट दिया इन दो इनिंग्स के बल पर। लेकिन वानखेड़े जैसे मैदान में, जिस मैदान में मुंबई की टीम महीनों पहले प्रैक्टिस करती है, लगातार खेलती है, उनका होम ग्राउंड है, वहां पर मुंबई हार जाएगी, ये किसने सोचा होगा। मुंबई की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी दोस्तों कि रोहित शर्मा मात्र 11 पर आउट हुए तो ईशान 13 पर, 11 पर नमनधीर आउट हुए तो 56 पर सूर्य कुमार यादव, बस यही एक बड़ी इनिंग थी। बाकी खिलाड़ी 4, 6, 1, 8 ऐसे स्कोर पर आउट हो रहे थे जिनमें नाम हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, निहाल वाडेरा का शुमार था। दोस्तों टिम डेविड ने 20 गेंद में 24 रन लगाकर जीत की लौ जरूर जगाई थी, लेकिन टीम के सारे उम्मीदें टूट गई जब लास्ट ओवर से पहले ही मिचेल स्टार्क ने बैक टू बैक 3 विकेट निकालकर इस टीम को 19वें ओवर में ऑल आउट कर दिया और हरा दिया 24 रन के अंतर से। अब दोस्तों मुंबई तो हार गई है और इस हार के बाद ना केवल एक ही चीज ट्रेंड कर रही है, हार्दिक पांड्या का बयान, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा पर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा को हार का एक मुख्य कारण बताते हुए हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में कहा, वानखेड़े के मैदान में इस कदर हारेंगे, सोचा नहीं था, ये सीजन में हमारी 8वीं हार है और 8वीं बार भी। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक कप्तान एक खिलाड़ी टीम को केवल तभी जिता सकता है जब टीम उसका साथ दे। आज भी मैच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वानखेड़े के मैदान में सभी दर्शक भले ही मेरा साथ दे रहे थे, लेकिन खिलाड़ियों ने नहीं दिया। हाँ, गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन शुरुआती दौर में किया, लेकिन अतिरिक्त रन भी दिए गए और ज्यादातर रन को रोका जा सकता था, पूरी टीम को 130 पर रोका जा सकता था, लेकिन फिर भी ये सभी खिलाड़ियों की लापरवाही थी जिसके चलते रन ज्यादा बने। और रन चेज करते वक्त जब शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो भला अंत कैसे अच्छा होगा। हमारी टीम के टॉप ऑर्डर फेल हो गए, ना तो रोहित भाई कुछ कर पाए, ना ही ईशान किशन, और मिडिल ऑर्डर में भी जब जरूरत पड़ी ना तो खिलाड़ियों का अंदाज और बर्ताव दोनों बदले बदले से लग रहे थे। अब ऐसे बर्ताव के साथ कोई मैच कैसे जीत सकता है, मैं तो नहीं जानता। रोहित भाई को भी कप्तानी का चार्ज मैदान में लेना चाहिए था, फील्डिंग करते वक्त भी केवल बल्लेबाजी करने के लिए वो मैदान में आए। अगर मेरी मदद करते तो शायद आज इस मैच को तो जीत ही चुकी होती। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तो सीधे तौर पर रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं हार का कसूरवार माना है। अच्छा, आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा दोनों में से मुंबई का बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।